हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। देखिए दोस्तों, आज मैं आपके लेकर आया हूँ साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट 35 क्वेश्चन, जो कि आने वाले एग्जाम से रेलवे ELP टेक्नीशियन ग्रुप डी SSC और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पास वाली बेल आइकन है उसे भी ऑन कर दें, क्योंकि मैं डेली ऐसे 1 से 2 वीडियो अपलोड करता हूँ जिसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है, लाल रुधिर कणिका डैश में बनती है, यानी जो RBC जिसको रेड ब्लड सेल बोलते हैं, तो निम्नलिखित में जो है किस में बनती है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अस्थि मज्जा में। ठीक, RBC का निर्माण जो है अस्थि मज्जा में होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव कोशिका में डैश निहित होती है, यानी मानव कोशिका में जो है कितने गुणसूत्र जो है निहित होती है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 46 गुणसूत्र। ठीक, मानव कोशिका में जो है 46 गुणसूत्र जो है निहित होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण से होता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी चेचक। ठीक, चेचक जो कि विषाणु के कारण से होता है। और हैजा जो है जीवाणु के कारण से होता है। और वहीं बात करें मलेरिया की, तो मलेरिया जो है मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया विषाणु के कारण से कौन सा रोग होता है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी चेचक रोग होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, टीबिया अस्थि डैश में पाई जाती है, यानी जो टीबिया नामक जो हड्डी पाई जाती है तो कहाँ पर पाई जाती है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पैर में। ठीक, टीबिया नामक अस्थि जो है पैर में पाई जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, बेरियम मिल डैश के लिए प्रयुक्त होता है, यानी बेरियम मिल जो है किसके लिए जो है प्रयुक्त होता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पोषण नाल की एक्स किरण के लिए। ठीक, बेरियम मिल जो है पोषण नाल की एक्स किरण के लिए जो है प्रयुक्त होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मधुमेह कहलाता है। ठीक, रुधिर में जो है ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना जो कि मधुमेह कहलाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किसे कीट कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा चींटी, खटमल और तिलचट्टा, यानी तीनों को जो है कीट कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व में सबसे बड़ा और सबसे भारी स्तनधारी प्राणी कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नीला व्हेल। ठीक, नीला व्हेल जो कि विश्व में सबसे बड़ा और सबसे भारी स्तनधारी प्राणी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, BCG के टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ट्यूबरक्लोसिस। ठीक, ट्यूबरक्लोसिस के विरोध में जो है BCG के जो है टीके लगाए जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, पौधों में जल ऊपर की ओर गति निम्न में से क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी रसरोहन कहलाती है। ठीक, पौधों में जो है जल ऊपर की ओर गति जो कि रसरोहन कहलाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से किस में विटामिन डी पाया जाता है, यानी इन 4 ऑप्शन में जो है किस में जो है विटामिन डी पाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मछली के लीवर तेल में। ठीक, मछली के लीवर तेल में जो है विटामिन डी पाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, अफीम पौधे के किस भाग से बनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी फूल से। ठीक, अफीम पौधे के फूल से जो है बनाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, DNA किससे संबंधित है? बहुत बड़े क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, DNA जो है किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी RNA से। ठीक, DNA जो कि RNA से जो है संबंधित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, वयस्क मानव ढांचा आधारित होता है, यानी वयस्क मानव ढांचा जो है कितने हड्डियों पर जो है आधारित होता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 206 हड्डियों पर। ठीक, वयस्क मानव ढांचा जो है 206 हड्डियों पर जो है आधारित होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, सूर्यमुखी में पुष्पक्रम का प्रकार क्या है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गुच्छिकायन। बहुत बड़े क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, सूर्यमुखी में पुष्पक्रम का प्रकार क्या है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गुच्छिकायन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या दिया जाना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कार्बोहाइड्रेट। ठीक, तत्काल ऊर्जा के लिए जो है खिलाड़ी जो कि कार्बोहाइड्रेट का जो है प्रयोग करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सोयाबीन। बहुत बड़े क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत जो कि सोयाबीन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, ट्रैकोमा रोग किस अंग से संबंधित रोग है?
तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आँखों से संबंधित रोग है। ठीक, ट्रैकोमा रोग जो कि आँखों से संबंधित रोग है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन नहीं, यानी इन चार ऑप्शन में जो है कौन सा जो है हार्मोन नहीं है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर टी, यानी हीमोग्लोबिन। ठीक, हीमोग्लोबिन जो है हार्मोन नहीं है, और बाकी इंसुलिन, एंड्रिनल और थायरॉक्सिन ये तीनों जो है हार्मोन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी हीमोग्लोबिन हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, आनुवंशिकता किससे संबंधित है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी आनुवंशिकता कोड से। ठीक, आनुवंशिकता जो कि आनुवंशिकता कोड से जो है संबंधित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, असामान्य मानव का रक्तचाप कितना होता है। बहुत बड़े क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, असामान्य मनुष्य का जो है रक्तचाप कितना होता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी 120/80। ठीक, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप जो कि 120/80 होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से किस प्राणी का जीवन काल महत्तम यानी सर्वाधिक होता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कछुए के। ठीक, कछुए के जीवन काल जो है सर्वाधिक यानी सबसे अधिक होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है, मनुष्य का मेरुदंड डैश से संरक्षित है, यानी जो मनुष्य का जो मेरुदंड है वो किससे जो है संरक्षित है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कशेरुक से। ठीक, मनुष्य का मेरुदंड जो कि कशेरुक से जो है संरक्षित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस कौन सी होती है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नाइट्रोजन गैस होती है। ठीक, श्वसन के दौरान जो है सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस जो कि नाइट्रोजन गैस होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है, आयोडीन के कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी घेंघा रोग होता है। ठीक, आयोडीन की कमी से जो है घेंघा रोग होता है, और विटामिन डी की कमी से जो है रिकेट्स होता है, और विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी होता है, और इंसुलिन की कमी से जो है रक्ताल्पता होता है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है आयोडीन की कमी से जो है कौन सा रोग होता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी घेंघा रोग होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है, पके हुए अंगूर में होता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ग्लूकोज। ठीक, पके हुए अंगूर में जो कि ग्लूकोज होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है, इंसुलिन स्रावित होता है। बहुत बड़े क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इंसुलिन जो है किस में स्रावित होता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी पैंक्रियाज यानी अग्न्याशय में। ठीक, इंसुलिन जो कि पैंक्रियाज यानी अग्न्याशय में जो है स्रावित होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है, कौन सा विटामिन स्कर्विक रोग के निवारण में काम आता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी स्कर्विक अम्ल। ठीक, स्कर्विक अम्ल जो है स्कर्विक रोग के निवारण में जो है काम आता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है, टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ क्या है। बहुत बड़े क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ क्या है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी ट्यूब में निषेचन होना। ठीक, टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ है ट्यूब में जो है निषेचन होना। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है, भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग से शुरू होता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी मुख से। ठीक, भोजन का पाचन मुख्यतः मुख से जो है प्रारंभ होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है, ऊतक यानी टिशू क्या है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी समान कोशिकाओं का समूह। ठीक, ऊतक यानी टिशू जो है असमान कोशिकाओं का जो है समूह है। और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है, एड्स फैलता है। दोस्तों इसमें बताना है कि एड्स जो है किसके द्वारा फैलता है। ऑप्शन ए, बैक्टीरिया युक्त रक्त लेने से। ऑप्शन बी, वायरस युक्त रक्त लेने से। ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों से। या फिर ऑप्शन डी, प्रोटोजोआ युक्त रक्त लेने से, यानी इनमें से किसके द्वारा जो है एड्स फैलता है। तो आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो जो आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। आप बस वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।